नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रांची काके डैम में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इनका कहना है कि जैसे आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही आप शहरों को भी स्वच्छ रखें। इनको रांची नगर निगम के द्वारा भी बहुत सहयोग मिल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। ये हमारी एक संस्था है, आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन रांची। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, कलाकारों के उत्थान कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है, लेकिन हम अपने सहज सामाजिक दायित्व का संज्ञान लेते हुए सामाजिक कार्य भी करते हैं। हमने लॉकडाउन के दौरान 9-10 महीने तक ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया, दवाइयां पहुंचाने का काम किया, वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया हमने, नेत्र जाँच शिविर भी लगाया। इसी सामाजिक कार्यों की लड़ी में ये एक कड़ी आज है, स्वच्छता कार्यक्रम। हम कांके डैम पर हैं और हमारी ये संस्था आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन रांची ये स्वच्छता कार्यक्रम यहाँ आयोजित की है। हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना कि आसपास सफाई रखें। जितना अपने घरों में आप सफाई पर ध्यान देते हैं, उतना ही सार्वजनिक स्थलों पर भी आप सफाई पर ध्यान दें। जी, बहुत जल्द नगर निगम के सहयोग से हम बाकी डैम पर भी घूमेंगे और कई जो पर्यटन स्थल है रांची में, पहले तो शुरुआत यहाँ रांची से हम करेंगे, बाद में रांची से बाहर का भी कार्यक्रम बनेगा। जी, रांची नगर निगम ने जरूरी जो साधन थे, झाड़ू कुदाल वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लव्स, मास्क और कुछ लेबरर्स भी, वो मुहैया कराए हम लोगों को। सहयोग मिला, बिल्कुल बहुत अच्छा सहयोग मिला और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं रांची नगर निगम का, खासकर अपर नगर आयुक्त श्री पाहन जी का। रांची की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि केवल प्रशासन के भरोसे रहने से ये हमारा शहर स्वच्छ नहीं होने वाला है, जब तक कि जनता की भागीदारी ना हो। हमने देखा मोदी जी हाथ में झाड़ू लेकर सफाई के लिए संदेश दिए कि लोगों को जागरूक करने काम किए। अब अगर हम इस भरोसे बैठ जाए कि नहीं मेरा प्रधानमंत्री पूरे भारत को साफ कर देगा, ये संभव नहीं है। जनता की भागीदारी ज़रूरी है। मैं आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन रांची का सचिव पंचानंद कुमार पंचम। आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।